एवरीवन, बहुत बहुत सॉरी, बहुत 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 थैंक यू। माइंडस्टोन था, सब एक के बाद एक। थोड़ा सस्पेंस तो अच्छा है, बहुत टेस्टी भी है, परफेक्ट जोड़ी है। तो चलिए मेरे साथ हेल्दी रहिए, खुश रहिए। हाय एवरीवन, बहुत दिन बाद आज फिर से वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि 1.5 मंथ्स या 2 मंथ्स, कितने दिन हो गया? अभी नहीं खत्म होने वाला है, डेढ़ महीना तो हो गया। एक डेढ़ महीना हो गया, हमने कुछ वीडियो बनाया ही नहीं, तो इसलिए बहुत बहुत सॉरी आप सबसे। इसके पीछे कुछ वजह है कि हम लोगों ने क्यों वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन सबसे पहले आप सबको बहुत 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 थैंक यू, क्योंकि आप लोगों के प्यार से, आप लोगों ने मुझे जो सपोर्ट किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, ओनली आप लोगों के वजह से मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो गया। ये मेरा एक माइलस्टोन था कि 1000 पूरा हो जाएगा, तो मेरा एक माइलस्टोन मैं टच कर पाऊंगी। इसके लिए आप सबको बहुत 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 थैंक यू। और ये मैं बहुत पहले ही बोलना चाहती थी, लेकिन बोल नहीं पाई क्योंकि वीडियो ही नहीं बनाया हम लोगों ने। एक्चुअली अप्रैल में कोविड का ये थोड़ा यहाँ पे कम हो गया था, तो हम क्रूज पे गए थे, वहाँ पे भी वीडियो हम लोगों ने बनाया। सोचा था हम लोग ये वीडियो डालेंगे, लेकिन वहां से आने के बाद ही एक के बाद एक ऐसा सब कुछ होता गया कि वो डालने का टाइम ही नहीं मिला। फर्स्ट थिंग, वहाँ क्रूज से आने के बाद ही हम सबका एक के बाद एक तबीयत खराब होना शुरू हो गया, सब एक के बाद एक, शुभी, सुदिति, मैं, सुकांत, सब। तो उसमें कुछ दिन गया, उसके बाद ये घर का पेंटिंग वगैरह हुआ, थोड़ा रिसेट किया घर को, ये सब में भी थोड़ा टाइम चला गया। उसके बाद इंडिया में तो कोविड बहुत ज्यादा हो गया, इवन बहुत सारे देशों में कोविड का सेकेंड वेव फिर से शुरू हो गया है। इस सिचुएशन पे मुझे और सुकांत दोनों को ही लगा कि हम क्रूज वाला वीडियो अभी नहीं डालेंगे, अच्छा नहीं लगा, सब लोग इतने तकलीफ में हैं, इस टाइम पे वो वाला वीडियो डालना ठीक नहीं होगा। हम लोग वो वीडियो भी डालेंगे, लेकिन ये सिचुएशन थोड़ा अंडर कंट्रोल हो जाए उसके बाद हम डालेंगे, क्या बोलते हो? सही बात है, घूमने जाना किसको अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है, लेकिन जिस वक्त एक महामारी चल रही है, सबको दिक्कत हो रही है, और उस टाइम पर अगर हम ये दिखाएंगे कि हम देखो जी कितने मजे ले रहे हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगा। हम कई लोगों ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं, जिनके साथ आपदा घटी है, कई लोग गुजर गए हैं, उनको हम पर्सनली जानते हैं, तो वो टाइम हमें ठीक नहीं लगा। और जैसे अदिति ने बोला, हम डालेंगे, ऐसा नहीं है कि क्रूज हमने एंजॉय नहीं किया था, क्रूज अच्छा था, एंजॉयमेंट से भी ज्यादा हमारे लिए एक चेंज का था। हम लोग करीब 1.5 साल से कहीं गए नहीं थे, इवन घर भी नहीं गए, एक चेंज का जरूरत था, तो इसलिए हम लोगों ने बुक किया था, बच्चों का भी चेंज था कि कहीं नहीं गए। इंटेंशन ये था कि हम जाएंगे, वापस आके आपके साथ शेयर करेंगे, और ये भी इंटेंशन था कि वो पूरा वीडियो सिर्फ क्रूज का होगा, 1-2 सीरीज में बनाएंगे हम, और उन वीडियो में हम रेसिपी नहीं दिखाएंगे। लेकिन अब उन्हीं को कोई टाल नहीं सकता, जो होना था वो तो होना था, अब वो हुआ है, तो उसके हिसाब से हम पहले तो ये चाहते हैं कि सब सेफ रहें, और सबका सिचुएशन देखते हुए हमने सोचा आप लोगों से कुछ बात करें, हम हमारी बताएं, कुछ आपकी सुने, तो आप जरूर बताइए हमें कि आप लोग वो पे क्या गुजर रही है, आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे अभी एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते में एक वीडियो आपके लिए हम अपलोड करें, इसमें हम कोशिश करेंगे, हमारी जो स्पेशलिटी है, अदिति की जो स्पेशलिटी है, कि किस तरह से आपके साथ कुछ सिंपल टेस्टी खाना जो आप लोग बना सकें। घर पे सब लोग हैं, लॉकडाउन चल रहे हैं, कभी कम कभी ज्यादा, तो जितना हमारी तरफ से इसके थ्रू हम मदद किसी की कर पाए तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। अगर आप लोगों को कोई इससे फायदा हुआ हो, कुछ आपको अच्छा लगा हो, तो हमें जरूर बताएं, हमें बहुत अच्छा। और हम पहले कहीं घूमने जाते थे, एक जगह दिखाते थे और फिर एक रेसिपी शेयर करते थे आप लोगों से। अब यहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शन हो गया है, बच्चों का भी अभी स्कूल फिर से ऑनलाइन शुरू हो गया, सुकांत का ऑफिस तो ऑनलाइन चल ही रहा है, लेकिन हाँ हमारा रेसिपी तो चलता रहेगा। आप लोगों से बात करेंगे, आप लोगों का कहानी हम सुनेंगे, हमारे कहानी जो हो रहा है वो आपको बताएंगे, और साथ में रेसिपी होगा, क्योंकि आप सब घर में हो, और कभी दाल चावल खाने का मन होगा, तो कभी थोड़ा स्पेशल खाने का मन होगा, तो हम रेस्टोरेंट स्टाइल खाना भी दिखाएंगे, और जो घर का नॉर्मल खाना होता है उसको ही थोड़ा स्पेशल कैसे बना सकते हैं वो भी दिखाते रहेंगे। तो आप लोग जैसे अभी तक प्यार हमें देते आए हो, उतना ही प्यार देते रहना, चाहे तो उससे ज्यादा दे सकते हो, लेकिन कम मत करना। और बाकी जैसे घर में कुछ
कर रहे हैं, हर रोज का जो डेली रूटीन है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और एक चीज आपको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप कमेंट जरूर करना। आप लोग अगर कमेंट करते हो ना तो हम लोग एनकरेज होते हैं कि चलो आज बनाते हैं, इतने सारे कमेंट्स आए हैं उसको आंसर करें। तो ऐसे ही आप लोगों से हमारा रिलेशन बना रहता है जैसे अभी तक है। आप लोगों ने जितना प्यार दिया, मैंने बोला ना कम मत करना बिल्कुल भी, ज्यादा करो लेकिन कम मत करना। तो आज जो रेसिपी हम दिखाएंगे आपको वो अभी नहीं बताऊंगी, जब दिखाऊंगी रेसिपी के टेबल पे बताऊंगी, क्या बोलते हैं, है ना? हाँ, थोड़ा सस्पेंस तो अच्छा है। तो फिर मिलते हैं आपसे रेसिपी टेबल पे, वहाँ पे आपसे शेयर करेंगे और रेसिपी के बारे में क्या है, क्या बना रहे हैं, कैसे बनेगा सब कुछ बताएंगे। और हम कोशिश करते रहेंगे आपके एक्सपेक्टेशंस पे हम खड़े उतरे और कुछ हमेशा कुछ अच्छा बढ़िया आपके लिए लेके आए। हाँ। जो आप आराम से घर पे बना सके। तो चलिए मिलते हैं मेरे रेसिपी के टेबल पे। वेलकम टू माई रेसिपी टेबल। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ये बहुत टेस्टी भी है, गर्मा गर्म चावल के साथ बिल्कुल परफेक्ट जोड़ी है और टाइम भी कम लगता है। तो जो लोग घर से काम कर रहे हो वो भी एक बार काम करते करते उठ के बना सकते हैं। तो आज का जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी उसका नाम है दही सामन। आप लोग इसमें पॉम्फ्रेट और प्रॉन के साथ भी बना सकते हो, सेम वे, बस फिश चेंज हो जाए। एक दिन सैमन बनाना था मुझे तो मैंने फ्रिज में देखा राइस है, तो राइस के साथ खाया जाए ऐसा कुछ बनाते हैं। तो हापा सैमन हमारे सब फ्रेंड को भी बहुत पसंद आता है और हमारे घर में भी। और दोई माछ, दही फिश, ये दोनों को मैंने इस रेसिपी में मिक्स किया है। दोनों का इंग्रेडिएंट्स थोड़ा थोड़ा लेके ये बनाया और सबको बहुत पसंद आया। तो आज मैं जैसे बनाया था उस दिन वही रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ दही सामन का। तो चलिए देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो आज मेरे साथ सुदिति है जो आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स बताएंगे। आज उसको मन हुआ है कि मैं इंट्रोड्यूस करूंगी क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेगा। तो चलिए, सो फर्स्ट वी हैव 400 ग्राम्स ऑफ सैमन, देन वी हैव सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, क्यूमिन पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, अनियन पेस्ट, बीटन योगर्ट, करी लीव, ग्रीन चिलीज एंड कॉन्सेंट्रेटेड कोकोनट मिल्क। कोई भी इंग्रेडिएंट्स क्वांटिटी के हिसाब से लिया नहीं है, तो जितना जितना लगेगा मैं आपको बताते जाऊंगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो हम सारा दे ही देते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स तो दिखाया, अब फर्स्ट सैमन को थोड़ा मैरिनेट करना है और वो भी ज्यादा कुछ नहीं, ओनली नमक और हल्दी डाल के, और इसको रखने की भी जरूरत नहीं होंगे। सॉल्ट तो आप अपने हिसाब से देना क्योंकि इसमें भी सॉल्ट डालोगे और ग्रेवी में भी सॉल्ट जाएगा, तो ज्यादा सॉल्ट डालने की जरूरत नहीं है। और हाफ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला और इसको आप मिक्स करना है। आप हाथ से मिक्स करोगे तो अच्छा होता है क्योंकि ये सामन बहुत सॉफ्ट होता है। बस मेरा मैरिनेशन हो गया है, ये कच्चा फिश का ही बनेगा तो इसमें आपको फ्राई करने का भी कोई झंझट नहीं है। तो चलिए मेरे साथ किचन में। एक चीज आपको बताना भूल गई थी जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, वो है ऑयल। मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज कर रही हूँ लेकिन कोई भी ऑयल चलेगा। मेरा हेल्पर यहाँ पे है आज, तो मैं ऑन करती हूँ गैस। पहले थोड़ा गर्म होने देते हैं पैन को। इसमें तेल ज्यादा नहीं लगेगा क्योंकि दही में भी थोड़ा ऑयल निकलता है और कोकोनट का जो मिल्क लिया है उसमें भी थोड़ा ऑयल ही होगा और सामान खुद में बहुत ज्यादा ऑयल है तो ऑयल ज्यादा नहीं लगेगा। 2 टीस्पून जितना मैंने तेल लिया। अब इसमें मैं डालूंगी कड़ी पत्ता एंड ग्रीन चिली। अब मैं डालूंगी ऑनियन पेस्ट, एक बिग साइज ऑनियन है। इसको थोड़ी देर भूनना है। अब इसमें मैं डालूंगी, इसके बाद मैं डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला। फ्लेम को मीडियम में ही रखना, चिली आप अपने हिसाब से डालना, आप जितना तीखा खा सकते हो उस हिसाब से डालना। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल रही हूँ इसको पकाने के लिए।
आप देख सकते हो कितना पानी डाला मैंने इसको, बस प्रॉपरली कुक होने के लिए। ये ऑलमोस्ट हो गया 2-2.5 मिनट। इसमें मैं 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर डाल रही हूँ। इसमें अभी भी कच्चा फ्लेवर है, इसको थोड़ी देर पकाना पड़ेगा। अब इसमें डाल रही हूँ सॉल्ट, अब अपने हिसाब से डालना, ध्यान में रखना फिश में भी सॉल्ट है। चलिए सुदीति जी अब थोड़ा खाना पका लेते हैं, उसको बहुत शौक है खाना बनाने का। अब इसमें मैं डालूंगी ये फेटा हुआ दही। मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून दही डाला। आप एक चीज ध्यान में रखना, मैंने जो दही लिया है ये बिल्कुल भी खट्टा नहीं है। अगर ज्यादा खट्टा है तो आप 1 टेबलस्पून भी डाल सकते हो, या अपने हिसाब से डालना। ये देखिए इसमें थोड़ा मैंने पानी डाला, मैंने थोड़ा पानी डाला, देखिए ये ओके मैं डाल देती हूँ इसमें। जब आप दही डालोगे तो फटाफट हिलाना, बिल्कुल भी रुकना मत, अदरवाइज ये फट सकता है। ये देखिए अब इस स्टेज में मैं थोड़ा और करी पत्ता डाल रही हूँ ताकि फ्रेश फ्लेवर आए करी पत्ता का। अब मैं इसमें डालूंगी फिश। फिश को अलग से मैंने फ्राई नहीं किया क्योंकि सैलमन बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं, इस ओवर कुक होने में भी थोड़ा चिली हो जाते हैं। अब इसको ऐसे करके मसाला के साथ एक बार पलट लूंगी। अब इस टाइम पे मैं डालूंगी ये कोकोनट कॉन्सेंट्रेटेड मिल्क। फ्रेश कोकोनट से भी मिल्क बना के यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 3 टेबलस्पून कॉन्सेंट्रेटेड मिल्क डाला और मैं पानी डाल रही हूँ क्योंकि ये कोकोनट मिल्क में कोई पानी नहीं था। अब देख सकते हो कलर कितना अच्छा आया है। इसमें मैं थोड़ा पानी डालूंगी क्योंकि ये ग्रेवी वाला होगा। मैंने जो भी पानी डाला ये कोकोनट मिल्क धो के डाला। अब मैं एक बार इसका टेस्ट करूंगी ठीक है कि नहीं, देखती हूँ। परफेक्ट है। इसमें मैंने मीठा नहीं डाला क्योंकि ये रेसिपी थोड़ा खट्टा टाइप होता है। इसको मैं थोड़ी देर ढक देती हूँ। सब कुछ बॉईल हो गया है और फिश को टेंडर होने में 3-4 मिनट लगेगा, तो उसके बाद मैं ये बंद कर दूंगी। 3-4 मिनट हो गया, देख लेते हैं। अरे वाह, ये देखिए बिल्कुल हो गया, टेंडर भी हो गया है फिश। मैं अब बंद कर देती हूँ। चलिए सर्व करके दिखाते हैं। फिर दही सामन तैयार है, बस जरूरत है गर्मा गर्म प्लेन बॉइल्ड राइस की, और कुछ नहीं चाहिए। व्हाइट राइस गर्मा गर्म, और ये अब मुझे याद रखेंगे आप लोग। इसमें मैं 2-3 चीजें बोलूंगी जो आप लोग इधर उधर कर सकते हो। जैसे सैमन अगर आपको नहीं मिल रहा है, सेम रेसिपी पे आप पॉम्फ्रेट कर सकते हो, पॉम्फ्रेट भी इतना ही अच्छा लगेगा इसके साथ। सेकंड थिंग, अगर आपको बहुत खट्टा पसंद है तो आप दही ज्यादा कर सकते हो, खट्टा दही हो तो भी ज्यादा कर सकते हो। अगर आपको कम खट्टा पसंद है तो आप दही को कम ज्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हो। थर्ड थिंग, इसमें ग्रीन चिली और कड़ी पत्ता, ये दोनों फ्लेवर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग तीखा खा सकते हो तो तीखा डालो, कोशिश करना कि ग्रीन चिली का डालना, और कड़ी पत्ता फ्रेश कड़ी पत्ता हो तो ये बहुत अच्छा बनता है। तो बस इतना 2-4 चीजें आप थोड़ा ध्यान में रखिए, तो देर इस बात की शुरू हो जाइए, फटाफट एक दिन बना लीजिए गर्मा गर्म राइस के साथ ये दही सामन। तो बनाइए, खुद खाइए, सबको खिलाइए, और कैसा लगा है जरूर बताना। तो अब टाइम है किसका, तो अब बहुत दिन बाद होगा, क्या है, टेस्टिंग टाइम। तो अब कौन टेस्ट करेगा, है ना, मेरा पार्टनर सुकांत टेस्ट करने वाले हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू द टेस्टिंग टेबल। टेस्टर आ गए हैं। बहुत दिनों बाद आज मुझे खाने को मिल रहा है। हाँ, इतने दिन बिना खा के कुछ भी नहीं खाया, टेस्ट करने को मिल रहा है ऐसे कैमरा के ऊपर। अच्छा लगता है ना कैमरे में टेस्ट करके, थोड़ा अपना इम्पोर्टेंस भी लगता है कि हम भी हैं। तो आज का डिश रीति ने आपको बताया है, थोड़ा एक्सपेरिमेंटल है, रीति ने ही किया है, हमें अच्छा लगा था इसलिए हमने डिसाइड किया कि आपके साथ भी शेयर हम करते हैं। तो इतने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो पहले टेस्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। एग्जाम पेपर देखते हैं ना वैसा फीलिंग आ रहा है मुझे। ऐसा कुछ भी नहीं है नहीं, मैं अपना फीलिंग बोल रही हूँ।
काफी अच्छा टेस्ट है। तो इसके अंदर हमारे घर में छोटे बच्चे हैं इसलिए मिर्ची कम रखते हैं हम लोग। इसके अंदर अगर हम इतने बताइए आपको ग्रीन चिली का जो सिर्फ तीखा टेस्ट नहीं, ग्रीन चिली का एक फ्लेवर होता है वो बहुत अच्छा लगता है, इसके साथ काफी अच्छा जाता है। सामान अगर आप देखोगे तो उसका जो एक ऑयल होता है उसका एक टेस्ट होता है, वो ये कोकोनट मिल्क के साथ मिक्स होके और योगर्ट के साथ मिक्स होके बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है। यूजली इतने बताया आपको, आप सी फूड यूज कर सकते हैं इसके साथ, प्रॉन और कोई फिश हो, ग्रॉपर, पॉम्फ्रेट यूज कर सकते हैं। व्हाइट फिश मैं रेकमेंड करूंगा, फिश जो थोड़ा ऑयली हो जैसे सैमन, उस तरह का फिश आप यूज करिए तो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन उसका बैठेगा। और ज्यादातर सी फिश की खासियत ये होती है कि बहुत जल्दी कुक हो जाता है तो आपको टाइम भी कम लगेगा। बस इतना ही है, अभी डिश ऐसा है कि आपको ज्यादा एक्कम्पनीमेंट की भी जरूरत नहीं है। चावल उबालिए, ये बनाइए साथ में और शुरू हो जाइए, बस लग जाओ। और आजकल जो कंडीशंस हैं उसमें ज्यादा मूड भी नहीं होता लोगों को ज्यादा कुछ करने का, तो इस तरह की कुछ डिशेस ऐसे होते हैं कि आप हल्की सी मेहनत के साथ एक अच्छा टेस्ट आप डेवलप कर सकते हैं। बहुत फ्रेश टेस्ट है इसका तो वो आपके मूड के लिए भी अच्छा होता है। और इंग्रेडिएंट्स तो आपने देखा है, क्यूमिन, टर्मरिक, कोकोनट, ये सब आपके हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं। और ऑयल भी बहुत कम लगता है तो हेल्दी भी है ये, क्योंकि सैमन खुद बहुत हेल्दी है खाने के लिए। तो चलो और बात नहीं, आप लोग फटाफट बनाइए, खुद खाइए, सबको खिलाइए और मुझे जरूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा है। प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि हमारा वीडियो कैसा लगा, मेरा रेसिपी कैसे लगा। और अगर आप लोगों को कुछ और रेसिपीज चाहिए तो प्लीज बोलना मुझे, मैं बनाने की कोशिश करूंगी, मैं दिखाने की कोशिश करूंगी पूरा पूरा। और मैं अभी फेसबुक पेज में भी हूँ, मेरा पेज का नाम है अदितिज होम किचन। ये पेज मैंने झटपट वाला रेसिपी इसमें दिखाती हूँ जिसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और टेस्टी भी होगा। अगर आप लोगों को वैसा वाला रेसिपीज चाहिए तो प्लीज फॉलो माय फेसबुक पेज अदितिज होम किचन। आजकल रेसिपी है तो घर में रहने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, मेरा रेसिपी पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए कि हाँ अदिति फिर से आ गई है। बहुत दिन नहीं मिला ना आप लोगों को। और एक चीज, ये सिचुएशन बहुत खराब है, शायद और भी खराब हो सकता है अगर आप लोग बाहर जाओगे तो। अगर आप लोग घर के अंदर जाओगे तो सिचुएशन में सुधार आ सकता है। तो प्लीज 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 जितना हो सके घर में रहिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए। मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से मेरे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीजों के साथ। तब तक के लिए बाय।